जंगल में रेगिस्तानों में चलाने के लिए इसे, इसका देखो बम्पर आगे का कितना ऊंचा कर रखा है, इसके अंदर अलग से टायर मॉडिफाई कराए हैं जंगल में चलाने के लिए। अंदर से देखो भाई कुछ ऐसी है ये। और अभी करते हैं इसको स्टार्ट, चाबी तो नहीं लगने की इसके अंदर, ये रहा इंजन स्टार्ट इसका, इधर रख दो चाबी इसके। ये देखिए ये होगा स्टार्ट लैंड क्रूजर। देखिए पायदान में क्या बिछा रखा है उसने, ये नीचे वो पायदान है इसके, लेकिन इसने ऊपर से लगा रखा है खूबसूरती के लिए। और गाड़ी अंदर से काफ़ी साफ़ सुथरी है भाई, बहुत अच्छे तरीके से रख रखी है उसने। ये देखिए ये रहा इसका डिस्प्ले, ये इसका फ्लैशर है, और ये एसी इसका कम करने का, ये ज़्यादा करने का, और ये रहा इसका गियर, वही सिस्टम है। देखिए पार्किंग में है ये, अभी पी पे है, उसके बाद ये आर है, ये बैक करने का है, ये न्यूट्रल है, और ये डी है चलाने के लिए। ये रहा इसका हैंड ब्रेक, ये देखिए हैंड ब्रेक नहीं लगा हुआ इसका, ये लग गया, अब ये गिर गया इसका। वो राइट में जो है वो एक्सीलेटर है, और ये ही क्लिच है, यही ब्रेक का काम करता है पेडल। हैंड ब्रेक इसके इधर है नहीं, ये पेट्रोल की टंकी खोलने का है, और एक बोनेट खोलने का है बटन। ये लैंड क्रूजर का 2020 का मॉडल है, सन 2020। और ये देखिए ये रही इसकी तीन सीटें पीछे बैठने के लिए, और पीछे डिग्गी में भी सीटें होती हैं, वो भी डाउन कर रखी हैं। और ये देखिए इसका स्टेयरिंग, ये रहा सैम्बल टोयोटा का, टी है, ये टी बनी होती है इस टाइप से। ये देखिए इसके अंदर ये सैम्बल आ रहा है ये, तो टायर में या तो हवा कम है या फिर टायर के अंदर कील लगी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है टायर के अंदर, तभी आता है ये, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है टायर के अंदर ज़रूर। और ये देखिए ये दिख रहा है ना आपको, ये है टेम्परेचर का, और ये है पेट्रोल का, पेट्रोल नहीं है इसके अंदर, देखिए ई पे आई भी है। और ये रहा इसका RPM, देखिए 7 तक है। और ये रहा इसका स्पीड मीटर, 240 तक है भाई। ये बैटरी का मीटर है, और वो है मोबिल का, ऑयल का। 150,969 किलोमीटर चल चुकी है ये, और अभी पी पे है, तो पी पे देखिए ग्रीन लाइट है, आर पे करेंगे तो आर पे आएगी, एन पे आएगी, डी पे आएगी, एस पे आएगी। अक्सर मैंने यहाँ पर जितनी भी कारें देखी हैं अंदर से भाई, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा रखते हैं ये लोग, बिल्कुल कार को ऐसा कर रखते हैं, इधर कपड़ा टंग रहा है, उधर कपड़ा टंग रहा है, इधर इनका ये गोत्रा पड़ा है जो उड़ते हैं यार अब में, और इधर इनका रुमाल पड़ा है, इधर ये पड़ा है वो पड़ा है। लेकिन भाई मैंने ये फर्स्ट कार देखी है भाई अपने लाइफ में अभी तक, जो इतनी साफ़ है अंदर से, इतनी क्लियर है, यानी इतना सब कुछ इतने अच्छे तरीके से क्लियर कर रखा है। और ये देखिए बीच में ये दिख रहा है ना आपको, 1, 2, 3 ये गिलास रखने के लिए हैं, यानी चाय के गिलास रखने के लिए। और आगे भी देखिए ये भी चाय के गिलास रखने के लिए, चाय गिरी हुई है थोड़ी सी, और इसे मैं खोलता हूँ ऊपर। ये देखिए अलग से बनवाया है इसने, ये खुल गया पूरा। और ये देखिए अंदर से 2 कवर, और कैसे खुलेगा ये 3 कवर। ये देखिए ये भी खाली है बिल्कुल। ये रहा देखिए इसका कागज़, गाड़ी का एक कागज़ होता है सिर्फ, यहाँ पे ये कार्ड होता है, ये पूरी कार को हैंडल करता है बस, सिर्फ इसको बोलते हैं गाड़ी का कागज़ एक, इसी के अंदर है सब कुछ। ये देखिए आगे से, यहाँ से कुछ ऐसी नज़र आएगी ये लैंड क्रूजर। ये लैंड क्रूजर है, वो पुलिस में काम करता है, यानी असगरी फौज में काम करता है, वो फौज में है, तो उसने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको मॉडिफाई कर रखा है कार को, प्लस इसका ख्याल भी रखता है, वो प्यार करता है इससे, मुझको ऐसा लगता है, तभी इतनी साफ़ सुथरी है भाई। बैक साइड से देखिए आप इसको कुछ ऐसी आएगी नज़र। और नीचे का स्पेस तो भाई मैंने बहुत कम कारों में देखता हूँ मैं, इतना कम स्पेस नीचे की तरफ, साइलेंसर सिर्फ सिंगल एक है, मतलब इतना ज़्यादा स्पेस ये जंगल में ही यूज़ होती है मेरे ख्याल से ज़्यादा। और देखिए इसके टायर जैसे जिस तरीके से उसने बनवाए हैं, मैक्सिस के टायर ही हैं, यहाँ पर काफ़ी डिमांड है इन टायरों की, तो उसको देख के यही लगता है कि वो जिसकी कार है वो ज़्यादातर डेजर्ट में घूमता है इसको लेके। तो अभी मैं इसका गियर डालता हूँ, डल गया डी, रेडी टू ड्राइव। ये देखिए बस डी पे डाल दो गियर, उसके बाद जितना आप क्लच छोड़ने के बाद रेस दोगे उतनी भागेगी ये खुद ब खुद। ये देखिए चल पड़ी आगे की तरफ, चल रही है नहीं ये, अब मैं इसे पीछे लेकर जाता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये कार आपको कैसी लगी, ये एक फौजी की कार है और वो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, जैसे कि मैंने इस कार को देखा तो मुझे लगा ऐसा कि वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, क्योंकि कार के अंदर इतनी साफ़ सफाई अरब मुल्कों में आपको नहीं मिलेगी, ये बहुत ज़्यादा मतलब वैसे रखते हैं कार को अंदर से। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना,
और वीडियो को शेयर करना। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, छोटी मोटी जानकारी आपको देते रहेंगे कारों के बारे में और सब चीज़ों के बारे में। और यहाँ पर अरब मुल्कों में जो फैमिली ड्राइविंग में लोग आते हैं, फैमिली ड्राइविंग करते हैं, उन लोगों को ऐसी ही कार मिलती है, इस टाइप की कार मिलती है, लैंड क्रूज़र। ये थोड़ी मॉडिफाई है, तो इसको मॉडिफाई कराया है उसने अपने हिसाब से चलाने के लिए। इसके शॉकर थोड़े ऊपर किए, प्लस टायर इसके अंदर दूसरे लगाए, और आगे से ये थोड़ी उठी हुई है, तो इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाना अच्छा समझा। ओके आंटी जी, आप बंद हो जाओ। आप कार को आंटी जी बोल सकते हैं और ट्रक को अंकल। ओके आंटी जी, बाय बाय।